Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आया हूँ आज, तो वेट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो राइडर है जो नॉन राइडर भी है उन सभी के लिए प्रोटेक्टेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज में लेके आया हूँ, वो भी वैल्यूएबल मनी। तो इसीलिए गाइस ध्यान से देखिए इस चीज को। तो चलिए गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल मनी एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, वो बेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया उनका जो थंडर एडिशन का जो हेलमेट उन्होंने लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, तो मैंने उसको खरीदा है और आज मैं इसके बारे में आप सभी लोगों को ऑल डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस तो देखिए जो स्टर्स का जो हेलमेट है जो भी थंडर एडिशन का। हाय गाइस, तो ये जो मैंने जो स्टोर्स का जो हेलमेट मैंने खरीदा है, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। तो गाइस पहले जो ये जो स्टोर्स का जो हेलमेट है, पहले आपको देखना पड़ेगा जो ISI का जो लोगो, जो गवर्नमेंट का जो लोगो है, ये अप्रूव होना ही चाहिए। हर हेलमेट आप किसी भी हेलमेट अगर खरीदे तो ऐसे अप्रूव आपको लेना ही चाहिए। और पहले देख लीजिए इसका जो वेट है वो 1300 ग्राम के आसपास, तो 1300 ग्राम खूब हेवी भी नहीं है और खूब लो भी नहीं है, एक थोड़ा सा मिड रेंज का एक वेट कैटेगरी का एक हेलमेट है जो 1300 ग्राम का है। और इसके जो निचले भाग, का जो ये जो ब्लैक कलर का जो ग्रिप आपको देख रहे हैं एक रबर का है, क्योंकि ये जो स्टड्स का जो हेलमेट है, इस हेलमेट के साथ मुझे दो वाइजर मिला है, दो वाइजर, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो ये जो ब्लैक का जो वाइजर है ये ओनली फॉर डे के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं ओनियन डे। पर ये जो वाइजर है जो विंड सील जो वाइजर, ये आप डे नाइट दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये जो ब्लैक कलर का जो वाइजर है सिर्फ ओनली ऑन आपको डे के लिए इस्तेमाल करना है। इसका जो कलर वेरिएंट है थोड़ा सा ब्लैक ग्रे और एक ऑरेंज साइड का एक स्ट्रैप जिसे कहते हैं वो इसके साइड में जो लगा हुआ है, वेरिएंट मुझे बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही मैट फिनिश है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो डिटेल्स जो हेलमेट है इन्होंने लॉन्च किया थंडर जैसी, जो डिटेली जो हेलमेट उन्होंने लॉन्च किया है, ऊपर के जो ऑप्शन है वो सिर्फ ग्लॉसी फिनिश का है और नीचे जो हेलमेट देख सकते हैं वो सिर्फ मैट फिनिश का है, और उनमें से मैंने एक मैट फिनिश का ही लिया हुआ है। तो गाइस अब आते हैं हेलमेट की जो अंदर की तरफ जो चीज है, तो इसके जो मुझे खास बात लगा, तो देखिए गाइस इसके अंदर जो कुशन है, जो पैड है,
बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, जैसे मुझे लगा कि मैं सर रख रहा हूँ एक गोदी के ऊपर। तो ऐसा एक नरम, बहुत ही नरम पैड है, और ये जो पैड है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने, आप जब क्लीन करेंगे, जो ड्राई वगैरह जब करेंगे, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं ऐसी तरह, आप इस तरह आप निकाल भी सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट, इसे भी क्लिप है, तो आप जब भी चाहे इसे निकाल सकते हैं, इसे लगवा भी सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसके कारण। तो एक वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट ने लॉन्च किया है, इसके कारण ऑल ओवर गुड मुझे लगा। अब इसके जो पैड है, जो कुशन है, आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल के बाद आप ड्राई करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसका जो विंडशील्ड जो है बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊं, आप जब पहनेंगे आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कर्व है, क्योंकि आपको एक फोकस की तरफ लेके जाएगा, जैसे कि ये कार्ड जैसे डिस्प्ले होता है हर फोन हर चीज की तरफ, वैसे ही इसका जो विंडशील्ड जो एक वाइजर है बहुत ज्यादा कर्व है, इसके कारण आप एक क्लीन टाइप देख सकते हैं, जैसे कि आप कर्व जैसे भी करके आपको सिर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको चाहे तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। और गाइस इसका जो ग्रिप है रबर का है, इसके कारण बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और एक तो गाइस ये जो वेंटिलेटर आप देख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही प्रीमियम जैसा लगा, एक फील है, आप जब पहनेंगे आपके गर्म जैसे आपको फील ही नहीं लगेगा कि पहनेंगे समर में, तो आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा गर्म है अंदर, बहुत ज्यादा हवा भी इसके अंदर, आप एक कूल जैसा फील आपको जरूर मिलेगा। और गाइस ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, दो गाइस ऊपर की तरफ भी दो वेंटिलेटर हैं जो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो एक ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रेम है, जो इसकी तरफ जो हवा आता है जब आप ड्राइव करेंगे, हवा इसके तरफ आके वो भी एक जो सर के ऊपर जो फील आता है गाइस, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका जो क्लिप पैटर्न है, जो फोम है, जो वेट है, ऑल ओवर डिटेल्स देखा जाए तो एक वैल्यू फॉर बजट के अंदर मुझे एक हेलमेट मिला है। और पीछे जो डिजाइन है ग्लू, जैसे कि ब्लैक पैंथर के जो आईज जैसे कुछ फील मुझे इसके साइड मुझे लगा है। और ऑल ओवर डिटेल्स एक मैट फिनिश है, ग्रे भी है, वेट कैटेगरी देखा जाए तो। और इसका जो प्राइस है गाइस, इसका जो प्राइस जो फिलहाल अभी मार्केट या फिर ऑनलाइन किसी भी स्टोर में आपको मिलेगा वो है 1900 रुपीस के करीब, पर मुझे ये ऑफर वगैरह में मिल के मुझे 1700 यानी 1700 के करीब मुझे इसका प्राइस मिला है, 1700 के करीब। तो बहुत ही वैल्यूबल मनी है, क्योंकि आप देखा जाएगा 2000 या फिर 3000 के करीब जाके आप ऐसी हेलमेट एक परचेस करते हैं। पर स्टूट्स का जो एक स्टैंडर्ड एडिशन का जो हेलमेट है बहुत ही मिड रेंज में आके एक वैल्यूबल मनी एक बजट के अराउंड एक ऐसी हेलमेट आपको प्रोवाइड करेगा, जो क्या बताऊं गाइस, एक सोचने वाली बात होता है, क्योंकि ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, एक पकड़ भी बहुत ही मजबूत है, और इसका जो वेट है थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा कम भी नहीं है, पर ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे बहुत ही एक प्रीमियम जैसा फील देता है मुझे। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ टेक न्यूज में लेके आऊंगा, तो गाइस सपोर्ट कीजिए, आपके वजह से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और सपोर्ट तो ऑब्वियसली करिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।